एवरी वन इंस लेक्चर वे विंग टॉक अबाउट द विजयनगर अंपायर नाउ दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ़ यू पी एस सी क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से घुमा फिरा के वो पूछती है यू पी एस सी अब द प्रॉब्लम इस कि इसका जो सोर्स है बहुत ज़्यादा स्केटर्ड है एंड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे विल नॉट ऊपर ऊपर भी नहीं देखेंगे विल ट्राई टू गो एंड टच द टॉपिक जितनी रिक्वायरमेंट है ठीक है विल गो टच दिना रिक्वायरमेंट है एंड देन कम बैक ठीक है ट्वेंटी मिनट्स में विल ट्राई टू कवर दिस ऑल राइट एंड इट स्टार्ट दिस देखो क्या करना क्या है हमें कि सबसे पहले समझो कि बेसिक समझो क्या है इसका विजयनगर नगर अंपायर एक कहानी की तरह समझते हैं ठीक है पंद्रह बीस मिनट अपना अटेंशन स्पैन जो है वो अच्छे से यहाँ पर रखो विजयनगर अंपायर नगर का मतलब हो गया आपका क्या हो गया सिटी विजय मतलब विक्ट्री सिटी ऑफ विक्ट्री पहली चीज आज अगर विजय दिमाग क्वेश्चन आए कि आज ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अंपायर था पहले सो आज आपके हम्पी में है ये ठीक है एंड हम्पी को एक्सकेवेट किसने करा तो कॉलिन मेकिजी ने ही डे ही वॉज द पर्सन स्पॉन्सर फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ दिस हम्पी ठीक है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे यार कि कॉलिन मेकेजी का क्या कनेक्शन है सो ही इज कनेक्टेड टू द विजयनगर अंपायर ठीक है और ये थे कौन भाई वॉज द सर्वेयर जनरल ऑफ फर्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है इतनी चीज तो तीन चीज ध्यान रख लिया हमने कॉलिन मेकेजी ने निकाला हम्पी को निकाला एंड हम्पी वॉज द ये प्रेजेंट डे ऑफ द विजयनगर अंपायर ठीक है ये तीन शहर का नाम ध्यान रखें तीन लोकेशन का कादिरामपुरम कमलापुरम एंड नगन हली ये तीन नाम आपको रटना है कि तीनों का कनेक्शन है विजयनगर से ठीक है ये तीन नाम रटना पड़ेगा आपको ठीक है हो गया चलो और सुनो अब क्या है हरियर हैन बुक का हरियर हैन बुक का वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर तो अगर कल घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ ली हरियर बुक का जो है दे इनका कनेक्शन किस चीज से है तो पहली चीज दिमाग में माननी चाहिए कि दे आर द फाउंडर ऑफ वट विजयनगर एम्पायर तो हरियर बुक का फाउंडर ऑफ विजय नगर अंपायर ओके इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ द टुंग भद्र रिवर एंड टुंग भद्र रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की इतनी चीज और क्लियर हो गई ठीक है ऑल राइट आफ्टर द कोलैब्स ऑफ दिल्ली सल्तनत ये आपका बना था ठीक है टाइमलाइन देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे कहाँ गया दिखाता हूँ मैं आपको तो इस दिल्ली सल्तनत का कोलैप्स जब हुआ तो उसके बाद यहाँ पे विजयनगर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इतनी चीज़ क्लियर है क्या ओके okay. तो अगर क्रोनोलॉजी देखें तो क्रोनोलॉजी में पहले दिल्ली सल्तनत आया उसके बाद जयनगर एप्पायर आया ठीक है उसके बाद, बाद स्टाब्लिश भामनी किंगडम आया ठीक है ये आपका क्रोनोलॉजी है आगे बात करेंगे इसके बारे में बट अभी वापस आते हैं तो देखा क्या हमने वट वी आर सीन की हम्पी से क्या दिमाग में रखना है कि आज का प्रेजेंट जयनगर एम्पायर हम्पी है एक्सक्लन किया किसने कॉलिन मैकेजी ने करा थे कौन फर्स्ट सर्वे ऑफ जनरल ऑफ इंडिया थे ये तीन शहर तीन सीट जगह का नाम ध्यान रखना है हरियन बुक्का वर द फाउंडर ठीक है कौन से रिवर के पास है टोंग रिवर के पास है सब में पी वाई एक एक लाइन से पीवाई क्यू आया हुआ है इसका ठीक है ओके और समझो इसको रत्ना कहा गया हिंदू सुरा रत्ना मतलब कि हिंदू सुल्तान कहा गया ठीक है ओके अब एक चीज़ सुपर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम कि अगर घुमा फिरा के कहीं पे इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ कुदराई छत्तीस एक चीज़ या तो ये पूछ लेंगे या फिर दिल आस्ट क्यू कि कुदराई छत्तीस इन द कंटेक्सट ऑफ मेडिवल या फिर एंशंट इंडिया रेफर्ड टू एज वॉट सो दे आर बेसिकली द हॉर्स मर्चेंट पहली चीज़ सेकेंड चीज कि कुदराई सीट छत्तीस अगर पूछ ले कि किससे कनेक्टेड है तो दिस इज कनेक्टेड टू द विजयनगर अंपायर अगर चार अंपायर का नाम दे दिया तो किससे कनेक्टेड है कुदराई छत्तीस जो है विजयनगर दो चीज ध्यान रखेंगे किससे कनेक्टेड है विजयनगर से और है क्या हॉर्स मर्चेंट को कुदराई छत्तीस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये हमको समझना है कि इट इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर योर विजयनगर ठीक है अब डायनेस्टी समझो कितनी डायनेस्टीज थी हमारे पास वी हैड फोर डायनेस्टी एट दैट टाइम एक है संगमा डायनेस्टी एक है सुलुआ डायनेस्टी फिर एक तुलुआ एंड अराविडू संगमा डेस्ट संगम डेनेस्टी के फाउंडर कौन थे हरियाणा बुक का इट तो इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द एक अंपायर विजयनगर उसके अंदर तो डायनेस्टी जो आई ना पढ़ा था ना मगधा में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे हरियाणा डायनेस्टी थी है ना फिर शिशुनागा डायनेस्टी थी उसके बाद फिर आपकी आ गई तंदा डायनेस्टी आ गई तो इस तरीके से वहाँ पर डायनेस्टी चार है यहाँ पे संगमा सुलवा के फाउंड के हो गए आपके देवर आया टू अच्छा देवा राया किस में है संगमा में ये ध्यान रखना हरियन बुक का देवा राय वन किस में संगमा है में। सुलुआ में कौन है देवराया टू एंड तुलुआ में है कृष्णा देवराया दिस इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिस दिस तुलुआ क्योंकि कृष्ण देवा इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ यूपीएससी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लीडर कौन थे कृष्णा देवराया ठीक जैसे मुगल में अकबर है यहां पे मगध में आपके अशोका है उस तरीके से मौर्य में अशोका है उस तरीके से आपके विजयनगर में कौन है के कौन है कृष्णा देवराया ठीक है थीके? तो अपने को समझना क्या पूछ लिया कृष्णा देवरा किस किंगडम से किस थे किंग वॉज फ्रॉम द तुलुआ डायनेस्टी नॉट सुलुआ नॉट संगमा नॉट अज फ्रॉम द तुलुआ डायनेस्टी क्लियर है ओके अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछता है नूनीस पर क्वेश्चन नूनीस पे अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो पांचों आपके ट्रैवलर्स हैं किस किस विजयनगर के रूलर के टाइम में इंडिया में आए तो कृष्णा देवराय के टाइम में देखो तीन ट्रैवलर्स इंडिया में है मतलब कि ये इंपॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री के लिए होंगे ऑफकोर्स हैं डोमिंगो पाइस दुआारते बारबोसा एंड नूनीज ये तीन आपके ट्रैवलर्स आए इंडिया में कृष्ण देवराय के टाइम में फिर देवराय वन के टाइम में आए आपके निकोला क्वान्टी एंड अब्दुल रजाक आए आपके देवराय टू के टाइम में तो इसको रटना है अपने को इसको रट के दीवार चिपका देना है अपने को ठीक है ओके इस पॉइंट को रट के दीवार चिपका देना है और क्या रट के चिपकाना बताता हूँ हरियर बुक्का को चिपकाना है और बताता हूँ क्या नॉन नेगोशियेबल जो बता रहा हूँ मैं हरियर बुक्का टुंगबाजार रिवर ठीक है टोंगभद्रा रिवर के बोल देगा आपसे गुधावरी रिवर नो कृष्णा रिवर की टर्बिटरी पे है ठीक है ये पांचों का नाम आपको रटा होना चाहिए एक पे क्वेश्चन आ भी चुका है ओके कृष्णदेव राय किस डेनिस्टी थे देखिए तुलुबा डैनिस्टी दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए फिर ये क्रोनोलॉजी दिमाग रही होनी चाहिए आपको ये क्रोनोलॉजी क्या है इन लीडर की पूछ लेंगे कि विजयनगर के जो लीडर्स है ना ये रूलर्स इनकी क्रोनोलॉजी क्या है कौन देवरा है वन टू समझ में आ जाएगा बट हरिहर बुक्का के बाद देवराय वन टू फिर कृष्णदेव राय फिर लास्ट में राम रहा ये आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है ठीक है और कौन कैसे डेंसिस्टी थे वो ध्यान रखना है बट ये तो आपको रखना ही है कृष्ण देव राय तुलुबा डेनिस्टिटी थे ठीक है ओके अब आगे बढ़ो

अब समझो ये कृष्णदेव राय वॉज ए स्कॉलर हिमसेल्फ ही रोट बुक्स ठीक है बुक्स तेलुगु में लिखा संस्कृत में भी लिखा ठीक है बुक्स ही रोट एंड सॉरी फॉर ठीक है ये क्या है जम्बावी थी कल्याणम ठीक है जम्बावी थी कल्याणम एंड अमुक्ता मलयाडाई अमुक्ता मलयाड़ा को आपको लिख के एकदम दीवार पे एकदम चिपकाना है इस पॉइंट को भी ठीक है इसकी नॉन नेगोशिएबल है क्या है किसने लिखा देवराज ने लिखा किस लैंग्वेज में लिखा तेलुगु में लिखा हिंदी में लिखा नो no. संस्कृत में लिखा नो no. किस में लिखा तेलुगु में लिखा ठीक है एंड कृष्णदेव राय सिटी ऑफ नागापुरम एग्जाम में सवाल है कि नागापुरम किससे कनेक्टेड है तो विजयनगर और किसका है कृष्णदेव राय ने फाउंड किया था ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करो सिर्फ मैं बता दूंगा कि फाउंड सिटी ऑफ नागापुरम तो ये पैसिव टीचिंग होगी वट इज एक्टिव टीचिंग लाइक के टेलिंग यू कि क्वेश्चन कहां से बनता है सो आई फाइट टेल यू कि नागापुर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो क्या दिमाग में चमकना चाहिए कि ये ऐसी सिटी है हु फाउंडेड सिटी कृष्णदेव राय ही वॉज फ्रॉम तुरुआ डायनेस्टी ठीक है क्लियर है अब यहाँ पे तीन टेंपल दिमाग में मेरे को आना चाहिए जब भी विजयनगर की बात होगी कैल एक है वीरभक्षा वीरभद्रा टेम्पल वीरूपक्षा टेम्पल एंड विथ्थाला टेम्पल विद्थाला टेम्पल एक बार ध्यान रखो कि विष्णु की यहाँ पे टू वर्शिप द विष्णु वी फॉर विट्ठाला वी फॉर विष्णु ठीक है तो वीरूपक्षा अच्छा वीरूपक्षा का मतलब क्या होता है वीरपक्षा मतलब कि कि दे से कि बिहाफ ऑफ गॉड ऐसा कुछ मतलब है इसका ठीक है बट इतना समझ में आ रहा ना आपको ठीक है ओके वेरी वेल अब यहाँ पे समझो कि नायकाज नायकाज क्या होते थे आगे पढ़ेंगे फ्यूडल सिस्टम था यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे ना जो हमने देखा था कि गुप्ताज में ही फ्यूडल सिस्टम था मतलब क्या कि लैंड इज़ अ मेन नीन्स यहाँ पे कैश उसमें धंधा नहीं हो रहा है कि अगर मिलिट्री मेरे को चाहिए मैं उसको लैंड दूंगा ठीक है एंड मिलिट्री विल बी माइन ठीक है तो यहाँ फ्यूडल सिस्टम चल रहा है ओके सोसाइटी वॉज ब्राह्मीनिकल इन नेचर ठीक है अब एक चीज़ में से एक्स्ट्रा समझो कि अगर कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ होती है अगर ऑप्शन में आपके बिकॉज दिस वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव अंपायर ठीक है अगर कोई ऐसी वे चीज़ पूछी जो इसमें लिखा हुआ नहीं है बट इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर तो यू विल कंसिडर देम एज राइट वाई बिकॉज दिस वॉज अ वेरी डेवलप्ड एम्पायर मॉरन मॉरन के बारे में पूछे इसके बारे में पूछे दीज टू आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड एम्पायर ठीक है सो प्रोग्रेसिव चीजों को हम जिनरली मानेंगे कि सही है वो ठीक है अब समझो नॉन नेगोशिएबल चीज जो मैं रटनी ही है दैट इज योर अमरनायका सिस्टम अगर कोई मेरे से आके पूछता है क्या कि अमरनायका सिस्टम किससे कनेक्टेड है तो ऑफ कोर्स इट इज विजयनगर एंपायर ठीक है ओके क्या है पहली चीज किससे कनेक्टेड है विजयनगर क्या है वो समझो तो है क्या बेसिकली अमरनायक सिस्टम क्या है अमरनायका मतलब कि मिलिट्री कमांडर्स अमरनायका क्या होता था मिलिट्री कमांडर सिर्फ मिलिट्री काम नहीं करते थे दे टू देसो टेक द लैंड रेवेन्यू दे ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे टैक्स कलेक्ट करके दे टू सेंड इट टू द किंग ठीक है अब कुछ पार्टियां खुद को भी रख सकते थे ये लोग ठीक है बेसिकली काइंड ऑफ देवर रेवेन्यू कलेक्टर्स ठीक है एंड मिलिट्री तो काम करते ही थे बट वट हैपेंड कि सेंस इनके पास ये लैंड टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास टैक्स भी आ गया पैसा भी आ गया और खुद के पास भी रख रहे हैं सो so, लैंड भी है फ्यूडल सिस्टम भी है सो दे कैन गिव दिस लैंड टू समवेयर एंड यूज देयर ओन खुद ही पावरफुल बन जाएंगे अल्टीमेटली वर्ड विल हैपन द पावर ऑफ द किंग बी डिसेंट्रलाइज राइट सो दिस नाइका इफ यू सी दिस नायका बेसिकली यू विल सी कि दिस नायका विल स्टैब्लिश दर इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड द सेम थिंग थिंगपन विद मुगल का डिक्लाइन सेम थिंग हैपन विद गुप्ता का डिक्लाइन सेम थिंग हैपन विद मौर्य का डिक्लाइन ठीक है तो जैसे ही पावर डिसेंट्रलाइज होगी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्यों डिसेंट्रलाइज होती है बिकॉज ऑफ वीक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम और मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ स्ट्रॉग लीडरशिप ठीक है कोलेप्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा ऑफकोर्स अब यहां पे और बातों को समझो इतना चीज़ में आ गया आपको ठीक है अच्छा एक है एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में एक सिस्टम था है सिस्टम एकता क्या होता है एकता का मतलब वही लैंड होता है ये अगेन सेम चीज है सब फ्यूडलिज्म के बारे में बात करेंगे कि लैंड ही से सब कुछ होगा लैंड दे दो मिलिट्री को एंड देन यू विल हैव द मिलिट्री टू एयर ठीक है सो जैसे ही जब जब समझो कि जब जब लैंड हम देंगे मिलिट्री को तो एनी वन हुज मोर लैंड कैन हैव मोर मिलिट्री एंड दे कैन हैव पावर एंड अल्टीमेटली इफ दे आर पावरफुल देआर मल्टीपल पावर सेंटर्स देन द पावर ऑफ किंग बी डिसेंट्रलाइज तो अमरनाय का मतलब कि दे आर द मिलिट्री कमांडर्स ठीक है दे कैन कलेक्ट टैक्स एंड दे आर पावरफुल अल्टीमेटली दे टू द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर पार्टी ठीक है मोटार यूज नहीं हुआ था सीमेंट यूज हुआ था मोटार सीमेंट दोनों यूज नहीं हुआ था यहाँ पे ठीक है टैंक्स फॉर सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर, ठीक है ओके अगर एग्जाम में नॉनेगोशियबल चीज समझ लो महानवमी डिब्बा अगर पूछ लिया कि महानवमी डिब्बा पहली चीज किससे कनेक्टेड है विजयनगर अंपायर कनेक्टेड एंड वट इज इट बेसिकली आर आर द ऑडियंस हॉल और द प्रेयर हॉल ऑफ द विजयनगर अंपायर महानवमी डिब्बा ठीक है so the, महानवमी डिब्बा महा इसको रटे लेना है एकदम दिमाग में दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए महानवमी डिब्बा ठीक है ऑल राइट अब कर्नोलॉजी समझो क्या कर्नोलॉजी है सबसे पहले दिल सत्यन था उसके गुलाब से विजयनगर अंपायर आया एंड देन देर इज योर इस्टैब्लिशमेंट बहामनी किंगडम अब समझो इस बात को कि बहामनी किंगडम के चार पार्ट्स हैं हमारे पास ठीक है आपके पास क्या है एक है आपका बीजापुर एक सेकेंड रुको मुझे टाइम दो एक आपका है बीजापुर क्या लिख रहा हूँ यार मैं ठीक है एक है बीजापुर ठीक है एक है आपका अहमदनगर ठीक है एक है आपका गोलकोंडा गोलकोंडा क्या यार एक सेकेंड सॉरी ठीक है गोलकोंडा ये तीन आपके यहाँ पे तीन ना ये इनके पार्ट बेसिकली बहामनी किंगडम के अंदर ये तीन तीन, तीन, तीन आपके पार्ट्स हैं बट हुआ क्या कि बामनी किंगडम यहाँ पे देखो कोलैप्स कर जाएगा जैसे ही बहामनी किंगडम कोलैप्स करेगा ये बीजापुर अहमदनगर गुलकुंडा सब अलग अलग, अलग, अलग अलग बन जाएंगे एंड दीज थ्री विल कंबाइन एंड अटैक द विजयनगर एम्पायर वाई विल एबल टू एच अटैक दिस बिकॉज विजयनगर एम्पायर में जो ये रूलर आएंगे ना आपके राम राय जो हमने यहाँ पे देखा था कहाँ के राम राय हमारे ये ये राम राय सो कृष्णनगर राय वॉज अ वेरी एबल रूलर बट राम राय वॉज नॉट कई काइंड ऑफ यहाँ वीक लीडरशिप हो जाएगी जैसे हमारे और अंगजेब के बहादुर शाह के टाइम में हो गया था सो so, इस तरीके से जैसी वीक लीडरशिप होगी तो दीज थ्री विल कंबाइन फोर्सेज ऑफ दीज थ्री विल अटैक हिम एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर अंपायर कंबाइंड फोर्सेज ऑफ ही वॉज डिफीटेड बाई कम्बाइंड फोर्स डे कंसल्टनट वट बीजापुर गोलकोंडा एंड अहमदनगर ठीक है ओके okay. इसको जिस बैटल में डिक्लाइन करा डिफाइट करा इनको बोला गया बैटल ऑफ टल्ली कोटा तो दिमाग में क्या रखना है कि अगर घूमते फिर सवाल आ गई बैटल ऑफ टल्ली कोटा किससे कनेक्टेड है सो इट इज द डिफीट ऑफ द विजयनगर विजयनगर अंपायर का बेसिकली ये जो इसका डिफीट हुआ इससे कनेक्टेड है इतनी चीज का दिमाग में, में क्लियर हो जाएगी ओके वेरी वेल किस रूलर के अंदर में विजयनगर अंपायर का डिफीट हुआ था तो राम एक यहां से आपका बनने का ठीक है किसने किसने कौन कौन से जुड़े हुए थे लोग थे बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर ठीक है ओके ऑल राइट right. अब समझो कुछ लोग कहते हैं संस्कृत था कुछ कहते हैं नहीं था तो ये हमारा एक डिस्प्यूटेड पार्ट है इसलिए इसको हम दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हिस्ट्री है जो डिस्प्यूटेड डिस्पीड पर इस ये क्वेश्चन पूछेगी नहीं और पूछेगी तो बहुत लोग सही करें बहुत लोग गलत करेंगे तो इनमें ध्यान नहीं देंगे क्या चीज़ था वहाँ पे तेलगू था तमिल था कन्नडा था बट वट वॉज फॉर श्योर तेलगू वॉज फॉर श्योर क्यों क्योंकि तेलगु का हमें पता रिकॉर्ड है क्या रिकॉर्ड है कि ये जो यहाँ पर इन्होंने बुक लिखा था विजयनगर ने कहाँ गया हमारे इन कौन सी बुक लिखी थी ये जो बुक लिखी है यहाँ पर अमुक्ता मल्याटा जिसको रटना था हमको ये तेलुगु में तो लिखी थी किसने लिखा था कृष्ण दिवारा ने लिखा था ठीक है ओके ऑल राइट ओके अब देखो अगर सवाल पूछता घुमा फिरा के आपसे क्या क्या फंसेगा हजारा राम टेम्पल अगर पूछेगा किस में था तो ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर में था ठीक है ओके okay. लोटस महल अगर पूछेगा किस में था तो अगेन विजयनगर नगर में था ठीक है विजयनगर क्लिंग क्लियर टू बी द रूल ऑफ रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड दैट इज वीरूपक्षा ठीक है विपक्षा इज द वर्ड विच इज यूज टू डिनोट दैट द किंग इज रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ठीक है अब यहां पे समझो कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा ये सारा टाइमलाइन लिखा हुआ है कि मोटा मोटा ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले भवनी किंगडम का को कोलैप्स होगा फिर लास्ट में व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली क्या होगा कि सुल्तान ऑफ गोलकंडा वगैरह आएंगे दे विल कंबाइन एंड अल्टीमेटली डिफीट द आपके कहां पे 1565 के अराउंड क्या होगा डिफीट द विजयनगर एम्पायर क्लियर है ओके और समझो समझ लिए एक बार रिवाइज कर लो ठीक है देख लिया महानवी डिब्बा देख लिया अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ बातें आपको बताना है एक्टिव रिकॉल करेंगे ठीक है तो लेट्स ट्राई इन एक्टिव रिकॉल एंड रैप दिस सेशन से पंद्रह चौदह मिनट में ही हो गए बीस मिनट लगा भी नहीं ठीक है तो अच्छे से एक्टिव रिकॉल करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार कि महानवमी डिब्बा किससे कनेक्टेड है क्या महानी नवी डिब्बा मेरे को याद आ जाएगा दिमाग में ठीक है क्या लोटस टेम्पल था इसमें येस लोटस टेम्पल था ठीक है में डिब्बा भी समझ में आ गया मेरे को ठीक है ऑडियंस हॉल था प्रेयर हॉल था जो भी था अच्छा और क्या था क्या वीरूपक्षा टेम्पल है इसमें यस yes. वीरूपक्षा का मतलब क्या है कि द किंग कैन रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ओके वेरी वेल और क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हम्पी में सिचुएटेड है ठीक है हम्पी को किया किसने वो कौन थे आपके मैकिन कॉलिन मैकेजी कॉलिन मैकेजी देख रहे हो ना यहाँ पे कॉलिन मैकेजी द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ओके कौन से रिवर है इसमें कौन से रिवर की बात करते हैं विच रिवर वी अ टॉकिंग हेयर विच रिवर गोदावरी रिवर नो no. वि टंग बाजार रिवर ओके विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इतनी चीज़ क्लियर होती है ओके वेरी वेल बहुत बढ़िया अब मैं पूछूँ आपसे कि अमर नायका सिस्टम क्या था अमर नायका सिस्टम किस में है विजयनगर एम्पायर में है? पहली चीज ठीक है वेरी वेल well. अच्छा है किस चीज़ के बारे में दिस इज अबाउट कि यार ये अमर नायका बेसिकली आर द मिलिट्री कमांडर्स एंड दे विल बी टेकिंग दे विल बी हैविंग लैंड एंड इसके बाद लैंड से लैंड की में डील करेंगे ये लोग एंड अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो भी कलेक्टिंग टैक्स व लेट लैंड एंड गिव इट टू द किंग और उस टैक्स का कुछ पार्ट खुद के पास भी रखेंगे तो ये पावरफुल होंगे अल्टीमेटली एंड इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे पावरफुल हो जाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा इसका डिफीट एंड इसका क्या होगा सेंट्रल लीडर जो पावर जो सेंट्रल लीडरशिप है वो वीक हो जाएगी अच्छा और समझो बहमनी किंगडम मैंने पढ़ाया आपको बहामनी किंगडम तीन चीज़ें थी हमें पता था अहमदनगर गोलकोंडा और बीजापुर फिर क्या होगा तीनों के तीनों मिलकर क्या करेंगे दे विल डिफीट द विजयनगर अंपायर का रूरल कौन से रूलर थे इस टाइम में रामाया ठीक है रामराया ठीक है किस टाइम पे पंद्रह सौ पैंसठ के टाइम में हुआ ओके किस बैटल में हुआ विच बैटल टूक प्लेस बैटल ऑफ बताओ मुझे बैटल ऑफ टल्ली कोटा बैटल ऑफ टल्ली कोटा ठीक है क्लियर है ओके और कुछ रह गया क्या कुछ नहीं रहा रिवाइज कर लो तेलुगु था फॉर श्योर ओके अच्छा ये वाला समझो कहाँ गया खुल जाए यार ओके ये नगालापुरम सिटी एकदम रटना है अपने को नगालापुरम नगापुरम नगलापुरम चार बोलो रट लोगे ठीक है अमुक्ता मलयाड़ा एंड जम्बावती कल्याणम ये दोनों जो है क्या है दिस आर लिटरेचर रिटन बाय हु हुर हु ए स्कॉलर किशन बराया किस किस डायनेस्टी थे ठीक दाँग है बाबर टॉक्ड अबाउट हिम यस ही वॉज ऑफ बाबर तैन किसके कोर्ट में थे ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण ठीक है ओके नागलापुरम वॉज अ सिटी फाउंडेड बाय द कृष्ण ठीक है नायका लो तो फ्यूडल लॉर्ड्स इन्हीं पे क्या था अमर नायका सिस्टम था ओके सोसाइटी वो ब्राह्मण ओके वेरी वेल एंड सैलरी नहीं थी इक्ता सिस्टम के जैसा इनका सिस्टम इक्ता सिस्टम था क्या इसी सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहते हैं कि यहाँ पे बे सैलरी कैश में नहीं मिल रही है सैलरी लैंड के फॉर्म में मिल रही है दैट इज़ वो इक्तादारी सिस्टम जो किस में था दिल्ली सल्तनत में था देखो दिल्ली सल्तनत जो है ना आपका यहाँ पे इसमें था ठीक है ओके हो गया हमारा कुछ रहेगा क्या देख लिया हमने अच्छा कुदिराई छत्तीस क्या है किसम है विजयनगर एम्पायर में क्या है हॉर्स मर्चेंट्स ठीक है ये तीन शहर का नाम ध्यान रखना कदीरमपुरम कमलापुरम नगनहली ठीक है ओके ऑल राइट right. संगमा सुलुआ तुलुआ अरावीडू अरावीडू में कौन है रामाराय सुलुआ में कौन है कृष्ण देवराय एंड सुलवाह में देवराय टू एंड संगमा में हरियन बुक्का हरियर बुक्का क्या है फाउंडर है हरियर बुक्का हरियर बुक्का हरियर बुका याद रखो ठीक है रटवा दूंगा यहीं पे फिर देखो नूनीज ये आपको रटना पड़ेगा खुशी कि रटवाऊ का टाइम लग जाएगा आपको ठीक है अब्दुल रजाक देवराय टू एंड निकोला क्वेंटी देवराय वन एंड डोमिनो प्याज एंड दुवारते बरबोजा एंड नूनीज किस में कृष्ण देवराय में ठीक है ओके और राइट सब कुछ हो गया यहाँ पे कुछ और बच गया क्या सब कुछ तो हो गया ठीक है वेरी वेल मोटा सीमेंट यूज नहीं हुआ था टैंक्स थे यहाँ पे टेम्पल में अच्छा ठीक है नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल वॉज वेरी प्रोमिनेंट हेयर ठीक है ओके इक्नोलॉजी हमने देखी ली है लोटस मैल देख लिया हज़ार राम टेम्पल अच्छा हज़ार राम टेम्पल देख लो एक और था महानवी डिब्बा तो देख लिया था अब हजार राम टेम्पल भी ये वॉज इन द विजयनगर एम्पायर का फीचर था ठीक है ओके ऑल राइट फिर दे वॉर डिफीटेड बाई रामय के अंदर डिफीट कर दिया किसने बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर गोलकुंडा के कौन थे आदिल शाह गोल गुमज किस में है गोलकंडा में ध्यान रखेंगे ठीक है बैटल ऑफ टल्ली कोई जिसमें कि डिफीट हुआ विजयनगर अंपायर का बस यहाँ पर खत्म हो गया है विजयनगर अंपायर हमारा ठीक है दिस टेक यू लीव इसको एक बार रट लेना मैं आपको आई कैन ऑट यू कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आएगा तो सबको दिक्कत होगी सॉल्व करने में ठीक है फिर या तो सब या तो गेस्ट लगाएंगे यह सब लॉजिक लगाएंगे या कुछ तुक्का मारेंगे या कुछ छोड़ के आएंगे इससे बाहर हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है दिस इज मोर मोर देन सफिशियंट फॉर यू टू कवर विजयनगर हम्पायर इन ऑल इट्स कैपेसिटीज ठीक है आई एव कवर्ड ऑल द पी वाई क्यूज हेयर आईव कवर्ड ऑल द मेजर सोर्सेज एनसीआरटीज वगैरह जहां पर भी आई कवर्ड एवरीथिंग हेयर इसके बाद सवाल आएगा तो किसी और से नहीं बनेगा आपसे नहीं बने तो किसी और से भी नहीं बनेगा तुक्का वो मारेंगे तो अभी तुक्का मारोगे वो छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ोगे ठीक है चले ठीक है सो आई टेक यू लीव विद दिस वी विल बी स्टार्टिंग सुपर हंड्रेड इन द नेक्स्ट लेक्चर सुपर हंड्रेड ऑफ इनवायरमेंट में मिलेंगे हम लोग ठीक है हिस्ट्री यहाँ पे हमारे मेरे साइड से ओवर होता है एंड एनल टेक यू लीव कीप स्टडिंग की बसलिंग भो गॉड स्पीड